माता स्वरूपम् माता स्वरूपम् देवी स्वरूपम् देवी स्वरूपम् प्रकृति स्वरूपम् प्रकृति स्वरूपम् प्रणम्यम् 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 प्रणम्यम्। मूल माता आदि शक्ति जगजननी जगदमाते की जय। अपने समस्त चेतनांशों माँ के भक्तों श्रद्धालुओं एवं समस्त धर्म प्रेमी विश्व जनमानस को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। आज कुछ विशेष बिंदु पर आप सभी लोगों को कुछ निर्देशन देना चाहता हूँ। जैसा आप सभी जानते हैं हमारा भक्ति मानव कल्याण संगठन आज देश नहीं विश्व का एक ऐसा सबसे महत्वपूर्ण महान और सबसे बड़ा एक ऐसा संगठन है जो संपूर्ण मानवता के लिए दिन रात कार्य कर रहा है। देश के कोने कोने में अनेकों देशों में भी भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता समाज को नशे मांस से मुक्त चरित्रवान बना करके उन्हें धर्म राष्ट्र और मानवता की सेवा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हमारा संगठन हर क्षेत्रों में महामारी काल हो या कोई समस्या हो कोई आपदा हो हर परिस्थितियों में सक्रियता से अपना योगदान देते हैं। राष्ट्र के नवनिर्माण में सतत कार्यकर्ता तीनों धाराओं से जुड़े कार्यकर्ता दिन रात अपनी सेवाओं में लगे रहते हैं। हमारा यह प्रवाह सतत अपनी एक गति से चल रहा है। इसी क्रम में 22 और 23 जनवरी को जो अति महत्वपूर्ण महाशक्ति शंखनाद शिविर का आयोजन का एक अभियान चल रहा है उसकी तैयारियां भी चल रही हैं। आश्रम उसके लिए पूरी तरह से तत्पर है और तैयार है। आश्रम की पूरी तैयारियां अपनी उस स्थिति पर हैं कि अगर यहां लाखों लोग उपस्थित हो जाते हैं तो उसके लिए हमारी पूरी व्यवस्थाएँ यहाँ तैयार हैं। मगर कुछ बिंदुओं पर विचार करने के बाद मैंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए जो हमारी भक्ति मानव कल्याण संगठन की एक सहज विचारधारा है कि मानवता का कल्याण हमारा प्रथम धर्म है और हमारे भक्ति मानव कल्याण संगठन के किसी भी कार्यकर्ता को कभी कोई किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े उसके द्वारा कभी भी कोई ऐसा कार्य भी न हो जो राष्ट्र के बनाए हुए नियमों का उल्लंघन कर रहा हो। हमें सदैव यहाँ पर शासन प्रशासन का संपूर्ण योगदान मिलता रहता है चाहे पूर्ण कोरोना काल का समय चक्र देखा जाए। आश्रम की सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहती हैं। आज भी जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उसमें हमें शासन प्रशासन द्वारा कभी भी कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया। हमारी तैयारियां अपनी पूरी जोर शोर से चल रही हैं मगर फिर भी मैं स्वयं हर परिस्थितियों का आंकलन करके कि हमारे भक्ति मानव कल्याण संगठन के लोग हमारे शिष्य जो दसियों लाख शिष्य देश के कोने कोने में नहीं अनेकों देशों से जुड़े हुए हैं करोड़ों लोग इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं भक्ति मानव कल्याण संगठन की तीनों धाराओं से जुड़े हुए हैं अनेकों क्षेत्रों से आज की जो भी परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में सफ़र करके आएंगे। मैं महसूस करता हूं शायद उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कोरोना की जो नई गाइडलाइन आई है उसके तहत उन्हें जगह जगह पर जाँच के दायरे से गुजरना पड़ेगा परेशानियाँ होंगी और नाजायज तौर पर उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। जो सीटों में स्थिति होंगी उनमें भी आधी बस पे अगर वो लोग बैठ करके आएंगे तो भी उनके लिए वो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। 5 राज्यों में चुनाव का भी एक क्रम चल रहा है उसके लिए भी नई गाइडलाइन है चुनाव आयोग की। वैसे तो राजनेता उसका कभी भी पालन नहीं करते हर जगह उल्लंघन कर रहे हैं और आज पूरी महामारी का जो एक प्रवाह चला है देश स्तर में चाहे अब के चुनाव को देखा जाए पहले के चुनाव को देखा जाए उसके लिए अधिक से अधिक राजनेता ही जिम्मेदार हैं चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों। लाखों लाखों लोगों की रैलियां होती रहती हैं उससे कभी कोई महामारी नहीं फैलती चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हों चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे हर किसी प्रदेश में सत्ता कर रहा है सत्ता विपक्ष में किसी एक पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा सभी लोग लाखों लाखों लोगों की भीड़ जुटाते हैं बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं दिखाने के लिए मास्क लगा लेंगे लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करेंगे 2 गज दूरी के लिए प्रेरित करेंगे। मगर आज तक यदि 2 वर्षों के पूरे अंतराल को देखा जाए किसी राजनीतिक पार्टी ने ना अपने क्रम में 2 गज की दूरी का पालन किया है ना मास्क का पालन किया है और मेरा मानना है कि मास्क कोई विकल्प है भी नहीं।
मास्क को लगा करके हम अपनी इम्यूनिटी क्षमता को और कमजोर कर देते हैं। मास्क जहां आवश्यक हो अस्पतालों में, यदि आप बीमार हो तो आप उदाहरण कीजिए कि उसकी बीमारी दूसरे को ना फैलने पाए, मगर यदि खुले वातावरण में है आप अधिकांशतया मास्क से मुक्त अपने आप को रखे, चूंकि इस पर आज तक कोई भी ऐसा शोध नहीं आ सका कि मास्क लगाने से लोगों को लाभ मिलता है, इससे लाभ नहीं नुकसान अधिक होता है। देश के अनेकों हजारों डॉक्टर इससे प्रभावित हुए, राजनेता प्रभावित हुए, जो 24 घंटे मास्क लगाने के लिए प्रेरित करते रहे, अधिकांशतया लगाते हैं, उससे भी वे लोग अपने आप को बचा नहीं सके। बचाने के लिए आपकी आंतरिक क्षमता, इम्यूनिटी क्षमता आपकी शरीर की विकसित होना चाहिए, उससे अधिक से अधिक आप ऑक्सीजन अच्छी लेंगे तो आप चैतन्य रहेंगे। यदि बीमारी भी आएगी तो आप उससे लड़ने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। जब यहाँ पर सर्वे किया गया था देश में तो अनेकों लोग जिनको टीके भी नहीं लगे थे उन्हें कोरोना की क्षमता 70-75% व्यक्ति पूरे देश में ऐसे निकले जहाँ पर उनके अंदर वो कोरोना से लड़ने की क्षमता उनके अंदर स्वयं विकसित हो चुकी थी। तो जितनी महामारियाँ पैदा होती हैं उनके अंदर हमारी क्षमता शरीर के अंदर विकसित हो जाती है। निश्चित है चाइनीज कोरोना वायरस एक आक्रमण है विश्व मानवता पर, जिस पर जवाब देने की क्षमता तो कोई देश आज नहीं रख रहे, न उस पर जवाब देना चाहते हैं। और यह विश्व मानवता पर चाइनीज कोरोना का वायरस या और कोई वायरस ये सतत चलते रहेंगे। मेरे द्वारा आज से 25 वर्ष पहले चिंतन दिया गया था, तब से इस बीमारी के बारे में जानता हूँ। महामारी के विषय मैंने अपने मंच से कहा था, चाइना की स्थिति के बारे में कहा था, महामारी के विषय में बताया था, वो उसी तरह चलता चला जा रहा है। मगर इन परिस्थितियों में हमें अपने कार्यों को उसी तरह से गति देते जाना है। हमने अपनी तैयारी, हमें कहीं पर भी अपनी तैयारी को कमजोर नहीं करना। हमने इस महाशक्ति शंखनाद के लिए अपनी पूर्ण तैयारियाँ रखी और अपने अंतिम चरण तक अपने चेतना शक्ति को उस प्रवाह से जोड़ा। यही हमारी भक्ति है, यही हमारा समर्पण है। मगर हमारा कर्तव्य भी जहाँ पर आता है वहाँ पर हम, जहाँ धर्मराष्ट्र मानवता के निर्माण में लगे हुए हैं, हमारे द्वारा कभी भी कोई ऐसा अपने संगठन के लाभ के लिए, निज लाभ के लिए कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं रखा जाता। हमारा हर कार्यक्रम मानवता से जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ है, राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा संगठन जिसमें सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग एक समान भाव से जुड़ करके धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा के लिए सतत कार्य कर रहे हैं, तो हमारा दायित्व भी सबसे अधिक बनता है। और इसी दायित्व को समझते हुए, देखते हुए, आप लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। ट्रेनों की जो जानकारियां मिल रही है, इतनी गंदगी भरी हुई है, वहां पर सफाई नहीं, जो लोग ट्रेन से सफर कर रहे हैं बता रहे हैं आवश्यकता से ज्यादा गंदगी है, बदबू आ रही ट्रेनों के डिब्बों से, शासन प्रशासन में कोई ध्यान नहीं दे रहा। इन सभी परिस्थितियों का आंकलन करके जगह जगह आपको परेशानियों का सामना न करना पड़े। जगह जगह वसूली की चौकियां, यह भारत भूमि की एक सबसे बड़ी विडंबना है कि आज भ्रष्टाचार चरम सीमाओं पर फैला हुआ है। कोरोना काल में भी डॉक्टरों ने जिस तरह से लूटा, प्राइवेट अस्पतालों ने जिस तरह लूटा, जगह जगह वसूली जिस तरह की गई और करोड़ों करोड़ों हजारों करोड़ रुपए मास्क न लगाने के नाम पर लूट लिए गए। ये लुटेरों की एक जो रणनीति चल रही है देश में, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जो भी सत्ता सुख भोग चुके हैं, इनको कहीं ना कहीं हमें दिशा देना पड़ेगा। और दिशा के अभियान में हमें अपनी क्षमताओं को सतत विकसित करते हुए हर पल रचनात्मक कार्यों में लगना है। हम अपने समय का सदुपयोग करें। और इन्हीं सभी परिस्थितियों का आंकलन करके मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं अपने 22-23 जनवरी के महाशक्ति शंखनाद शिविर को और व्यापक स्वरूप दूंगा, और चेतनता का स्वरूप दूंगा, और तैयारियों के साथ उसका स्वरूप दूंगा। मगर उसके लिए सिर्फ समय की अवधि में परिवर्तन करूंगा। उस समय की अवधि को मैंने अक्टूबर महीने में, 3-4-5 अक्टूबर महीने में उस शिविर का निर्णय मैंने लिया है। जो महाशक्ति शंखनाद होगा, एक ऐसा शंखनाद होगा जिससे विश्व जनमानस को आवाज मिले, चेतना मिले, एक ऐसा महाशंखनाद जो उस नवरात्रि पर्व पर करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं इन परिस्थितियों में नहीं चाहता कि इस शिविर में जहां लाखों लोगों को उपस्थित होना है उसमें बहुत से लोग इससे वंचित हो जाएं, वो आ न सके, उन्हें प्रदेशों में रोका जाए, ट्रेनों में रोका जाए, जगह जगह जांचों के दायरे से गुजरा जाए, रात नाइट कर्फ्यू, बेवकूफ़ी भरा जो नाइट कर्फ्यू सरकारों द्वारा लगा दिया जाता है उससे वो कहीं ना कहीं प्रभावित हों, इन सब चक्रव्यूहों से बचाते हुए मैं नहीं चाहता। मेरा महाशक्ति शंखनाद जो इस धर्मधुरी से एक ऐसा शंखनाद है जो युगों युगों तक याद किया जाएगा, वैसा शंखनाद ना कभी हुआ है, ना वैसा शंखनाद भविष्य में कभी हो सकेगा। और शंखनाद को मैं इन छोटी मोटी प्रभाव से प्रभावित नहीं होने देना चाहता। और उसमें मैं चाहता हूं कि विश्व जनमानस की धर्म प्रेमी जनता उसका पूरी तरह से भरपूर लाभ उठा सके। हमारा हर शिष्य का परिवार उस महासंघ शंखनाद में उपस्थित हो सके, इसलिए हम उस तैयारियों को और व्यापक स्वरूप देंगे। अतः 22 और 23 जनवरी के शिविर को स्थगित करता हुआ उसकी डेट को परिवर्तन करके 3, 4 और 5
अक्टूबर को नवरात्रि पर्व पर जो महाशक्ति संघनाथ का शिविर होगा उसके लिए हमको अपनी तैयारियों को और स्वरूप देना है, प्रचार प्रसार को गति देना है। इस शिविर में शासन प्रशासन की जो भी व्यवस्थाएं हैं उस पर हम कोई भी ऐसा कदम अपने द्वारा नहीं उठाना चाहते कि उनको लगे कि हमारे नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। दूसरी चीज़ है कि जहां इस महाशक्ति संघनाद को मुझे किसी प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं होती, मगर जब एक ऐसा महाशक्ति संघनाद किया जा रहा है जो इस धर्मधुरी का इस भारत भूमि पर पूरे विश्व जनमानस को दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण शक्ति संघनाद होगा, उसे मैं जरूर चाहता हूं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम आपके द्वारा जो किया जाएगा, शिष्यों धर्म प्रेमी जनता के द्वारा किया जाए, दर्ज हो। और इस 22-23 जनवरी के कार्यक्रम में उनके द्वारा भी चूंकि कोरोना गाइडलाइन के नियमों के आधार पर 51,000 लोगों का जहां महाशक्ति संघनाद किया जाना था तो भी अपने असमर्थता जता रहे हैं। अतः मैंने उनसे बात करके वार्ता करके हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं ने वार्ता करके उस क्रमों को भी बढ़ा करके 3-4-5 अक्टूबर महीने में कर दिया गया है, जिससे हम और प्रचार प्रसार करके समाज की कोई यही नहीं कि हमारे जो भक्ति मानव कल्याण संगठन जुड़े हुए हैं, अन्य धर्म प्रेमी जनता भी जो एक परिवर्तन चाहती हो कि समाज में जातिता छुआछूत सांप्रदायिकता ये जो भ्रष्टाचार है अनीति अन्याय अधर्म फैला हुआ है इसके दूर करने के लिए हम कहीं ना कहीं संगठित विचारधारा अपना करके धर्म पथ पर चल सके, अपने आत्मबल को बढ़ा सके, अपने आप को नशे मांस मुक्त चरित्रवान बना करके कार्य कर सकें। आज जहां भक्ति मानव कल्याण संगठन ने दसियों लाख लोगों को नशे मांस मुक्त चरित्रवान बनाया है, चेतनवान बनाया है, जो धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा के लिए सतत लगे हुए हैं, हम सतत उन कार्यों में गति से लगे हुए हैं। अतः उस महासंकट संघनाद में भी हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोग उसमें उपस्थित हो सकें, कोई ऐसा क्रम न हो जिससे मेरे आने वाले भक्तों कहीं व्यवधान का सामना करना पड़े और उस महासंघनाद में उनके अंदर की प्रेरणा हो कि हम वहाँ पहुँचना चाहते थे मगर किन्हीं कारणों से हम नहीं पहुँच सके, उनके अंदर व्यथा ना आने पाए। अतः मैं चाहूँगा कि मेरे समस्त शिष्य इस कार्यक्रम को स्थगित मान करके अगला जो कार्यक्रम महत्वपूर्ण साधना शिविर होगा महाशक्ति संघनाद शिविर होगा 3-4 और 5 अक्टूबर महीने में, उस महाशक्ति संघनाद के लिए आप लोग अभी से तैयारियाँ प्रारंभ कर देंगे। अधिक से अधिक आप लोगों को आरती चालीसा पाठों के क्रमों को कराना है। जब तक कोरोना प्रतिबंध है तब तक कोई भी बड़े स्तर का कार्यक्रम नहीं करेंगे, व्यक्तिगत डोर टू डोर संपर्क के अभियान को गति देंगे, अधिक से अधिक आरती को कार्यक्रमों का जो भी क्रम चलेगा उसको आप लोग गति देंगे। इसके विषय में जो भी मार्गदर्शन आपको होगा 22-23 से लेकर के 25 जनवरी के बीच 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 में आप लोगों को जानकारियाँ मिलती रहेंगी कि आगे इस अभियान को किस तरह आपको गति देना है और उस महाशक्ति संघनाद को हम जो 22-23 जनवरी को करने जा रहे थे उससे भी कई गुना ज़्यादा उस महाशक्ति संघनाद को हम स्वरूप देंगे, जिससे आप सभी लोग लाभान्वित हो सकें। भक्ति मानव कल्याण संगठन सतत अपने कार्यों में लगा हुआ है, आपका समर्पण आपका सहयोग जिस तरह यहाँ से पिछले 2 वर्षों से वस्त्र वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, ट्रकों 1 महीने के अंदर अंदर 1 ट्रक से अधिक वस्त्रों का वितरण गरीबों को आम समाज को जिसको जरूरत थी उनको वस्त्र वितरण यहाँ से किया गया है, आप सब लोगों का सराहनीय सहयोग यहाँ मिलता रहता है, क्षेत्रीय जनमानस नहीं देश के कोने कोने के लोग जो लोग आते हैं वो उन चीज़ों से लाभान्वित होते हैं। इस तरह हमारी जो अनेकों योजनाएँ चल रही हैं उनको हमको और गति देना है, धर्म राष्ट्र मानवता से समाज को जोड़ना है, हमारे द्वारा कभी भी ऐसा कर्म न हो जिससे समाज में कभी किसी को परेशानी पड़े। इसलिए सभी परिस्थितियों का आकलन करके मैं आप सभी लोगों से अपने जुड़े हुए शिष्यों को ये निर्देश देना चाहूँगा कि आप जो जहाँ पर हो अपने अपने क्रमों को वहीं पर स्थगित कर लेंगे, आपकी जो गाड़ियाँ बुक हों उन्हें अगली नवरात्र के लिए आप बुकिंग के क्रम को बढ़ा लें, होटलों में जो आपने बुकिंग कर रखी है उनको भी नवरात्र के अगले क्रमों में बुकिंग करा लें, और कोई भी शिष्य इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बिना यहाँ की अनुमति के इस कार्यक्रम में नहीं आएगा, चूँकि कोई कार्यक्रम नहीं किया जाएगा, सभी कार्यक्रम यहाँ के शिविर से संबंधित स्थगित रहेंगे, अतः किसी प्रकार की भीड़ लेकर के आप उपस्थित ना हो। आगामी क्रमों में आप 25 जनवरी के बाद से लेकर के जो कोरोना गाइडलाइन से आएगी उससे थोड़ा सा कमी आती है तो बीच बीच में जिस तरह आप लोग आते रहते हैं बाद में आप कभी भी आते रहेंगे मिलते रहेंगे, आपको यहाँ का मार्गदर्शन मिलता रहेगा, आपको तन मन धन के साथ इस पूरे अभियान में और जोर शोर के साथ जुड़ना है। और 23 जनवरी के लिए हर संगठन का सदस्य अपने अपने घरों में आरती का आयोजन करेगा, टीम प्रमुख एक दूसरे के घरों में भी आरती का आयोजन कर सकते हैं, जितनी अधिक से अधिक आप आरती कर सकें बड़ी भीड़ जुटाए बगैर, और उस दिन आप महत्वपूर्ण संकल्प धर्म राष्ट्र मानवता के लिए अवश्य करेंगे और यह संकल्प करेंगे कि कम से कम आगामी महाशक्ति संघनाद तक हमने जितनी क्षमता के साथ कार्य किया है उससे और कई गुना क्षमता के साथ हम दिन रात जन जागरण के अभियान को गति देंगे और पुरजोर क्षमता के साथ लगेंगे, और उस दिन 23 जनवरी को आप हर शिष्य
कम से कम 3 मिनट के लिए शक्ति शंखनाद अवश्य करेगा। 3 मिनट आप अपने घरों में सुबह से लेकर के शाम तक जब भी आपको समय मिले आरती करके अपने पूजन स्थान में बैठ करके 3 मिनट तक आप घर के साथ सामूहिक मिल करके भी 3 मिनट का शक्ति शंखनाद अपने अपने घरों में करेंगे। हम इसको घरों में व्यापकता के रूप से करें और फिर उस अभियान को हम गति देते चले जाएंगे। आपको जो ध्यान साधना के क्रम बताए गए हैं उन क्रमों को भी आप लोग गति देंगे। हर कार्यक्रम हमारा मानवता के कल्याण से जुड़ा है, संपूर्ण मानवता की रक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारे कार्य गति से चल रहे हैं, उस गति से हमको सतत कार्य करते रहना है। और बीच बीच में आप लोगों के सभी निर्देशन यहाँ मिलते रहेंगे, कार्यकर्ता यहाँ से केंद्रीय पदाधिकारियों से भी निर्देशन प्राप्त कर सकते हैं। जनसेवा से जुड़े हमारे जो सभी अभियान चल रहे हैं, यहाँ की व्यवस्थाओं से जुड़े जो सभी अभियान चल रहे हैं, वो सब अपने तरीके से उसी गति से चलते रहेंगे। शिविर के क्रम को पूर्णतया स्थगित मानेंगे और उसकी डेट का परिवर्तन करके मैंने 3, 4, 5 अक्टूबर को कर दिया है। उस अक्टूबर की डेट अच्छे से नोट कर लेंगे, उसके बारे में अधिक लोगों को सूचना देना प्रारंभ कर देंगे, उसके अभी से हमको तैयारियां करना शुरू कर देना है। और इस अंतराल के बीच में सभी जिलों और प्रदेशों की कार्यकर्ता बैठक भी, जब कोरोना काल की स्थिति थोड़ा सामान्य अवस्था में होगी तो बैठक कार्यकर्ता बैठक भी रखी जाएगी, जिससे हम इस कार्यक्रम को और गति दे सकें। शायद माता भक्ति आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा यही चाहती हैं कि शायद जिस कार्य को हम बहुत सीमित दायरे में करने जा रहे थे उसको वह व्यापक स्वरूप दें जिससे विश्व जनमानस तक आवाज़ पहुंच सके, देश के कोने कोने तक आवाज़ पहुंच सके। अब हमारा आगामी उस महाशक्ति शंखनाद शिविर तक के लिए एक सबसे बड़ा यही अभियान होगा कि इस महाशक्ति शंखनाद से सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों से सभी संगठनों का आह्वान एक साथ करेंगे कि वह महाशक्ति शंखनाद सभी का महाशक्ति शंखनाद बन जाए और धर्म राष्ट्र मानवता का एक नया प्रवाह समाज में पैदा हो, समाज सेवा का नया प्रवाह समाज में पैदा हो और अधिक से अधिक लोगों को हम नशा मुक्त कराने में सफल हो सकें। उस रास्ते में हमको चलने का प्रयास करना है। पूरी क्षमता के साथ आप लोग लगने का प्रयास करेंगे। जो भी मेरे निर्देशन होंगे इसी चैनल के माध्यम से आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे। 23 जनवरी का जो भी यदि यहाँ से मैं समय चाहूँगा, समय निकल सकेगा अपने क्रमों से, तो आप लोगों को पुनः संबोधित करूंगा जैसा भी समय मिल सकेगा। मेरा पूर्ण आशीर्वाद आप सभी के साथ जुड़ा रहता है। पुनः एक बार अपना पूर्ण आशीर्वाद आप सभी लोगों को प्रदान करता हूं। बोल जगदम्बा माते की जय।